वो गर्मी का मौसम था। पेड़ पौधे नदी झरने सब सूखे पड़े थे। पशु पक्षी बहुत परेशान थे। तूनी गौरैया अपने बच्चों के साथ घोंसले में थी। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हे भगवान, इस धरती को ठंडा करो, बारिश करवाओ। अगर इसी तरह गर्मी बरसती रही तो हम लोग अपनी जान खो बैठेंगे। इस तरह वो बड़ी दुखी होकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इतने में छोटू तोता अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचती है। लगता है इन गर्मियों की वजह से कहीं आग लग गई है। उस आग ने हमारे पेड़ को पूरी तरह जला डाला। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ, इसीलिए अपने बच्चों के साथ तुम्हारे पास आ गई। हमें तुम्हारे साथ रहने दो ना। इस तरह वो दुखी होकर बोलती है, तुम दुखी मत हो दोस्त। मुश्किलों के वक्त अगर दोस्त ही दोस्त के काम ना आए तो हम कहाँ जाएंगे भला। इस तरह वो उसकी हिम्मत बांधकर उसे अपने साथ रख लेती है। कुछ दिनों बाद चीचू कौवा और लूसी कबूतर भी अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। हमारे घर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, हमें यहाँ रहने दो मित्र। इस तरह वो लोग भी सहायता मांगते हैं। टोनी को कुछ और नहीं सूझता और उन सबको भी अपने साथ रख लेती है। सब लोग मिलजुल कर उस छोटे से घोंसले में ही रहने लगते हैं। एक एक करके उनके बच्चे मरने लगते हैं। सबसे पहले लूसी कबूतर का बच्चा मर जाता है। वो रोते हुए बोली, हे भगवान, वक्त पर खाना और पानी ना मिलने की वजह से मेरा बच्चा मर गया, अब हम लोग कहाँ जाएं? ये बात सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं। रो मत लूसी, अपने दिल पर पत्थर रख लो, हिम्मत दिखानी होगी तुम्हें। इस तरह वो उसे हिम्मत बांधते हैं। अब मैं जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ, मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ। उसके चले जाने के बाद तूनी गौरैया के बच्चे और चीचू कौवे के बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तूनी अपने बच्चों को देखकर रोते हुए बोली, दुखी होने के अलावा मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह वो दुखी होने लगते हैं। बच्चे छोटे होने की वजह से भूख सह नहीं पाते और मर जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया, अब मैं यहाँ किसके लिए रहूं? और वो गौरैया से बोली, मित्र, घोंसला छोटा होने पर भी तुमने हमें यहाँ रहने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम जैसे मित्र को कभी नहीं भूल सकती, तुम जैसा मित्र सबको मिलना चाहिए। जब गौरैया पूछती है कि तुम कहाँ जाओगे तो कौवा कहता है, जहाँ खाना मिले वहाँ चली जाऊंगी। मित्र, मैं अपने बच्चों का एक दुख तुमसे बांटना चाहती हूँ। मैं खाने की तलाश में घूम कर आती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। बच्चों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम अपने बच्चों के साथ मेरे बच्चों का भी ख्याल रखो। ठीक है मित्र, तुम अपना ख्याल रखना। तोता खाने की तलाश में वहां से चले जाती है, लेकिन वो तोता वापस नहीं आता। और इधर तूनी तोते की राह देखते हुए परेशान होने लगती है। उसके अगले दिन तूनी की तबीयत खराब हो जाती है और इसी तरह नींद में दम तोड़ देती है। ये देखकर तोते के बच्चे और तूनी के बच्चे रोने लगते हैं। माँ, तुम्हें ये क्या हो गया? माँ, उठो ना माँ, माँ, उठो ना। इस तरह वो बहुत दुखी हो जाते हैं। इस तरह वो बच्चे अकेले ही उस घोंसले में रहने लगते हैं और भूख और प्यास की वजह से बेहोश होकर गिर जाते हैं। वो बड़ी दुख और परेशानी से बस अपना दम तोड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी एक चील अपने बच्चों के लिए पानी से भरा हुआ एक घड़ा ले जाती होती है। वो घड़ा अचानक फिसल जाता है और उन बच्चों के घोंसले के पास अटक जाता है। उस घड़े से पानी सीधे इन बच्चों के ऊपर गिरता है जिन्हें ये बच्चे पीते हैं। तुरंत वो चील उस घड़े को लेने पहुंच जाता है और उन बच्चों को देखकर बोलता है, अरे ये बच्चे कौन है? ऐसा सोचकर उनके पास जाती है। उसे समझ आता है कि उन्हें बहुत प्यास लगी है, तो उस घड़े के पानी को उन्हें दे देती है। बच्चों, अभी तुम लोग ठीक हो ना? हम लोग ठीक नहीं है, हमें बहुत भूख लगी है, हमारी माएँ मर चुकी हैं, हमें देखभाल करने वाला कोई नहीं, कृपया हमारी सहायता कीजिए। वो इस तरह चील से प्रार्थना करती हैं। चील एक माँ होने की वजह से उन बच्चों का दुख समझती है। दुखी मत हो, मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूँगी। ऐसा बोलकर उन्हें अपने पीठ पर चढ़ाकर बहुत दूर उड़ते हुए जाकर अपने घोंसले पर पहुंचती है। अपने बच्चों के साथ उन बच्चों को भी खाना देती है। उन
उन सभी बच्चों की अच्छी देखरेख करने के लिए वो बहुत कोशिश करती है। तभी उसे पता चलता है कि पास के एक नदी के पास खूब खाना मिल रहा है। उन सभी बच्चों को अपने पीठ के ऊपर चढ़ाकर 2 दिन बड़ी मुश्किलों से उड़ते हुए जाकर उस नदी के पास पहुंचती है और उनसे बताती है कि यहाँ उन्हें पानी और खाना खूब मिलता है। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे कहते हैं। हाँ बच्चों, ये जगह बहुत अच्छी है। अगर हम एक अच्छा घोंसला बना लेंगे तो यहाँ आराम से रह सकते हैं, वो बच्चों को समझाती है और बच्चे भी मान जाते हैं। बच्चे अपनी ताकत के हिसाब से घोंसला बनाने के लिए सहायता करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वो बहुत अच्छा सा घोंसला बना लेते हैं और सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आज हम लोग जिंदा हैं तो वो आपकी बदौलत ही है। अगर आपने उस दिन हमारी सहायता नहीं की होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम आपकी सहायता जन्म जन्म तक याद रखेंगे माँ। इस तरह बोलकर वो अपना हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, फिर भी मुझे माँ कहकर बुला रहे हो, तो फिर तुम भी मेरे ही बच्चे हुए ना, और अपने बच्चों की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। मैं उस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम बच्चे हमेशा सुखी रहो। इस तरह अपने बच्चों को अच्छी सीख देते हुए उनका खूब ध्यान रखती है।